हाँ बोलो अंजलि। सारा कितनी देर हो गई है, कब आएंगे आप? अंजलि मैंने बताया था ना कि मैं जेठालाल के साथ हूँ। परम मित्र मिलते ही धर्म पत्नी को भूल गया, नॉट फेयर। नहीं नहीं अंजलि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल जेठालाल को मेरी जरूरत है, प्रॉब्लम में है वो। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, उसके बिजनेस का छोटा मोटा प्रॉब्लम है, तुम टेंशन मत लो। तुम ये बताओ कि तुमने फोन क्यों किया था? आपको रेडी नहीं होना है? क्यों, कहाँ जाना है? अरे तारक, बबीता जी की गाड़ी आने वाली है, आप भी ना। तो तुम तैयार हो गई? नहीं अभी तैयार होना शुरू करूंगी। अच्छा तो तुम कौन सा वाला रेड ड्रेस पहनने वाली हो? नहीं मैं रेड ड्रेस नहीं पहनूंगी। क्यों? आप सब महिला मंडल ने ये डिसाइड किया था ना कि आप सब मिलकर रेड कलर का ड्रेस पहनने वाले हैं। हाँ लेकिन अब हम महिला मंडल ने डिसाइड किया है कि आज बबीता जी का स्पेशल डे, तो रेड कार से मैचिंग रेड ड्रेस सिर्फ वही पहनेंगी, हम नहीं। अच्छा ठीक है, तो तुम तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ जल्दी। बाय। अगर अंजलि को पता चल गया ना कि मुझे कार का सच पता था, फिर भी मैंने उसे तैयार होने से नहीं रोका, तो करेले के जूस का डोज डबल कर देगी। जेठालाल तुम कह रहे थे ना कि तुम बबीता जी और अय्यर को साथ में नहीं बता सकते? हाँ। एक काम करो, तुम अय्यर को फोन करो और सब कुछ सच बता दो। अय्यर सेंसिबल है, वो समझ जाएगा कि ये एक एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। अगर एक बार अय्यर समझ गया तो वो बबीता जी को भी समझा देगा और ये सारा का सारा मामला वहीं का वहीं रफा दफा हो जाए। अरे क्या बोल रहे हैं आप मेहता साहब, अब तो जानते ही है ना अय्यर भाई को तो मुझसे कुछ विशेष ही लगाव है। अगर मैंने उनको सब सच बता दिया ना तो वो इतना बड़ा हंगामा करेंगे कि सिर्फ हमारी सोसाइटी में ही नहीं हमारे एरिया की सब सोसाइटी में पता चल जाएगा कि मुझसे यह कूपन का कांड हो गया है। तो अभी अभी कैसे भी करके सिर्फ बबीता जी को ही बताना होगा। लेकिन बबीता जी को तुम सच बताओगे कैसे, वो तो यहाँ है नहीं। हाँ पर वापस तो आएंगे ना, तभी बता देंगे। बता देंगे नहीं, बता दूंगा। ओ अच्छा आपको बताना है, ठीक है आप बताना। ओ सॉरी, हाँ मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। क्या बता दोगे? यही कि बबीता जी आपकी गाड़ी आने वाली नहीं है। अब्दुल भाई। हाँ? अय्यर अंकल ना जल्दी आ रहे हैं, उनको बस कुछ पता नहीं चल जाना चाहिए, नहीं तो हमारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। हाँ। फ्रेंड्स याद रखना, अय्यर अंकल के आते ही हम उन्हें सीधा उनके घर लेकर जाएंगे और जब तक कार नहीं आ जाती ना तब तक हमें उन्हें वहीं रोक के रखना है। ऑब्वियसली। फ्रेंड्स एक कैब आ रही है, लगता है उसमें अय्यर अंकल हो सकते हैं। अरे बहुत मजा आया, बहुत एक्सीलेंट रही। अरे अय्यर अंकल आप क्या मौत टाइमिंग पे आए हो, हम लोग आपकी का वेट कर रहे थे। मेरा वेट कर रहा था, कुछ खास काम था? नहीं नहीं अय्यर अंकल ऐसा कुछ ज्यादा सीरियस काम नहीं था, एक्चुअली हमें आपसे नए आइडियाज, नए इनोवेशन और स्पेस रिसर्च के बारे में डिस्कशन करना था। वाह 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 टप्पू जाना वाह। और वो डिस्कशन के साथ अगर आपके हाथ की बनी फिल्टर कॉफी मिल जाए तो तब मजा आ जाएगा। अरे वाह गोली, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली यार। आ, मेरी भी। अरे गोली तूने फरमाइश की है तो अब तो अय्यर अंकल हमें अपने घर भी ले जाएंगे और वहाँ पे फिल्टर कॉफी भी पिलाएंगे, है ना अय्यर अंकल? हाँ चलो चलो आ जाओ। चलो चलो मजा आ जाएगा यार फिल्टर कॉफी में तो। क्या?
नहीं समझे? पर क्या समझाना चाहते हो भाई? ये जो बैट है ना वो मेरा नसीब है और ये जो बॉल है वो मैं हूँ। मैं जितनी बार खुशी से उछलने जाता हूँ ना उतनी बार ये मेरा नसीब मुझे वापस जमीन पे पटक देता है। हाँ अंजलि बोलो। सारा, मैं रेडी भी हो गई हूँ, आप घर कब आओगे? हाँ आ रहा हूँ। ये देखो मेरी अंजलि और बाकी सारे गोकुलधाम वासी, जो गाड़ी कभी आने नहीं वाली ना उसके स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं। कुमार अब कितना टाइम, वहाँ बबीता जी की कार आने वाली है। आई आई हंस, बस दो मिनट। फिर से दो मिनट? अरे तुम्हारे पिछले दस मिनट से दो मिनट ही चल रहा है। तुम पत्तियों के दो मिनट कभी खत्म ही नहीं होते। अभी और कितना टाइम है? बस दो मिनट। बस दो मिनट? माधवी तुम समझ नहीं रही हो, मैं सोसाइटी का एक मेल सेक्रेटरी हूँ, मैं ही लेट पहुंचूंगा तो लोग क्या कहेंगे? ओए पिड़ू ठंड रख यार। कोई कुछ नहीं कहेगा तेनू। ओए बबीता जी की गड्डी नु वेलकम करना है, तू सोसाइटी की मीटिंग थोड़ी ना, जा तू लेट पहुंचेगा तो लोग तुझे ताना मारेंगे। मैं तो कंटाउन तो आ रहा इकड़े, अब पिछले दस मिनट से तुम्हारे दो मिनट खत्म ही नहीं हो रहे। दो मिनट मतलब दो मिनट होता है, लेट नहीं हो रहा है इनको। हो रहा है। चल चल चल। वाह वाह वाह, आज बबीता जी की कार आ जाएगी, मतलब बहुत जल्द मेरे हनीमून पैकेज का कंफर्मेशन भी आ जाएगा। बस एक बार मेरी शादी हो जाए फिर जेठालाल को इस हनीमून पैकेज के लिए दिल खोल के थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू जेठालाल। थैंक यू मेहता साहब, हर बार आप मेरी हर कठिन परिस्थिति में मेरे साथ दगड़ की तरह खड़े रहते हैं। क्या? सॉरी, चट्टान चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। थैंक यू। बबीता जी का फोन, तो उठाओ, हो सकता है वो सोसाइटी में आ गई हूँ। बबीता जी आप सोसाइटी में आ गए हैं क्या? अरे नहीं जेठा जी, अभी कहाँ, अभी तो मेरी ड्राइविंग क्लास खत्म हुई है, तो मैं फटाफट से फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, वहाँ से रेडी होके मंदिर जाके फिर मैं सोसाइटी आऊंगी। ओके, तो आप प्लीज जरा कंपनी वाले को फोन करके बोल देंगे गाड़ी हाफ एन आवर लेट भेजने के लिए प्लीज। हाँ ठीक है, कह देता हूँ। ओके थैंक यू सो मच। और कुछ? नहीं नहीं और कुछ नहीं, थैंक यू बाय। ओके बोलो, 10-15 मिनट लेट करने की रिक्वेस्ट कर रही है बेचारी बबीता जी, उनको तो पता ही नहीं है ये गाड़ी कभी आने वाली ही नहीं है। चलो जीठा जी को तो बोल दे, भी टप्पू को बोल देती हूँ। कंप्यूटर का नया टेक्नोलॉजी वेब 3 आने वाला है, जो जो इंटरनेट का फ्यूचर और इंटरनेट यूजर्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। वाह, वर्ल्ड बहुत फास्ट चेंज होगा और बहुत ही फास्ट मॉडर्न बनेगा। अय्यर अंकल मानना पड़ेगा, आपकी फिल्टर कॉफी की तरह आपकी नॉलेज एकदम मस्त है। मजा आ गया वैसे फिल्टर कॉफी पी के। मजा आ गया ना? तो डबू देना कुछ तो मैं भी कुछ। अय्यर अंकल एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है, हम अटेंड करके आते हैं। हाँ, जाओ, जाओ, हाँ। जाओ। स्पीकर पे रख। हाँ बोलिए बबीता आंटी। अच्छा टप्पू लिसन, आई एम रनिंग हाफ एन आवर लेट, ओके? तो प्लीज यू नो ना, तब तक अय्यर को प्लीज बिजी रखना, ओके? डोंट वरी बबीता आंटी, हम लोग गाड़ी आने तक अय्यर अंकल को यहीं पर बिजी रखेंगे। अय्यर को पता नहीं चला चाहिए कि ये सरप्राइज है, राइट? आप चिंता मत कीजिए, टप्पू सेना सारा काम बहुत अच्छे से हैंडल करेगी। गुड गुड गुड, आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू गाइस, ओके? बाय, सी यू। ओके बाय बबीता आंटी। बाय बाय। आजकल जो क्लाइमेट है वो बहुत डेंजरस है, क्या है कि मौसम बदल रहा है, गर्मी में बारिश हो रहा है, ठंडी में गर्मी पड़ रहा है, ये हमारी आने वाली फ्यूचर की जनरेशन के लिए बहुत हार्मफुल है। यस अय्यर अंकल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये सब ना पोल्यूशन की वजह से हो रहा है एंड इट्स हाई टाइम, अब तो पोल्यूशन कंट्रोल करना ही चाहिए। एक्चुअली एब्सोल्युटली राइट दोनों, तुम लोग बात करो मैं कब रख के आता हूँ। अय्यर अंकल मैं रख देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं रख देगा। थैंक यू। अरे आराम है। बहुत अच्छी थी कॉफी, थैंक यू। मजा आ गया। फ्रेंड्स बबीता आंटी को आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर
हमें अय्यर अंकल को यहीं रोक के रखना है। हाँ तू टेंशन मत ले, अय्यर अंकल को कहीं नहीं जाने देंगे। कब उधर ना? मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए, अभी मैं आत्माराम को मिलकर आता हूँ। अय्यर अंकल, बाबा के पास आपको क्यों जाना है? वो सोनू सोसाइटी के 3-4 काम है, उस पर डिस्कस करना है। नहीं 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 अय्यर अंकल, आप बीड़े अंकल के घर तो बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि बीड़े अंकल को मिलने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, आप नीचे नहीं जा सकते। क्यों क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि नीचे धूप है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से धूप बहुत ज्यादा तेज हो गई है, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। कपू मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं अभी जाके आता हूँ। अय्यर अंकल, अय्यर अंकल प्लीज, बीड़े अंकल के घर पे बाद में जाना ना प्लीज। प्लीज। अरे फिर बाद में बबीता आ जाएगा, फिर हमको लंच पर भी जाना है, और भी उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, मैं उससे अभी मिलकर आता हूँ। अय्यर अंकल प्लीज रुकिए ना, कितने दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला है, आपको पता है आप ज्ञान का भंडार हो। और नहीं तो की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे कितना कुछ सीखने मिलता है। और आपसे जितनी नॉलेज मिलती ना अय्यर अंकल, वो कहीं से नहीं मिलती। प्लीज अय्यर अंकल बैठिए ना, आपसे हमें बहुत कुछ सीखना है, थोड़ा ज्ञान हमें भी बांटिए प्लीज। यस यस यस, मैं नहीं जाता हूँ। अगर तुम लोगों के क्या क्वेश्चन है वो पूछो, मैं बताता है। कोई भी क्वेश्चन के आंसर दो, उसके पहले मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मैं थोड़ा किचन से कुछ खा के आता हूँ, उसके बाद ही आंसर देना, थोड़ा वेट करना मेरे लिए अंदर। ओके बाय। अय्यर अंकल जब गोली आएगा तब आप अपनी नई रिसर्च के बारे में भी बताना, वो सैटेलाइट के बारे में भी बताओ ना। अरे हाँ वो तो मेन है, गोली को तो आने दो, गोली आएगा तो रिपीट कर देना। चल रिपीट कर दो। सैटेलाइट का ऐसा है, फ्यूचर में सैटेलाइट से बहुत रिवॉल्यूशन आने वाला है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन। शाबाश मेरी टपू सेना, पपीता आंटी के फोन आने तक अय्यर अंकल के साथ ऐसे ही टाइम पास करना है, ऐसे ही बिजी रखना है। चलो जेठा नीचे चलें। क्यों? पपीता जी आते ही होंगे, और तुमने कहा था कि उनके आते ही तुम उन्हें सब कुछ बता दो। चलो चलो। नता साहब मैं क्या कहता हूँ, नीचे कंपाउंड में बबीता जी को मिलने से पहले एक बार भगवान से मिल ले क्या? कहाँ? सोसाइटी के मंदिर में? एक आखिरी बार रिक्वेस्ट करके देखता हूँ, हो सके तो इसका कोई मार्ग निकाल लिया प्रभु। ठीक है चलो। भगवान अब तक जो कुछ हुआ उसकी वजह से मुझे पता है मैंने आपको काफी कुछ भला बुरा कहा है, लेकिन आप तो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, और मैं तुच्छ मनुष्य हूँ, इसलिए बड़ा दिल रख के मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। और चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले तो ये जो चालू तपलीक है उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए भगवान। हो सके तो चमत्कार की कोई ऐसी स्कीम का आयोजन कीजिए जिसमें मैं बबीता जी को सच बताऊं तो वो मेरा सच को मजाक ना समझकर सच को सच मान ले और मुझसे नाराज भी ना हो, इतना हो पाएगा? सॉरी सॉरी, आपसे तो हो ही पाएगा, आप तो सर्वकर्ता हर्ता है, आपकी मर्जी के बिना तो एक सूखा पत्ता भी हिल नहीं सकता, मतलब ये सब भी आप ही का किया कराया है, तो प्लीज प्रभु ये गूंच उकेल दीजिए, गूंच उकेल दीजिए प्रभु, ये गूंच उकेल दीजिए। हो गया? हाँ। तो चलें, बबीता जी आती होंगी। चलो जा रहा हूँ मैदान जंग में, संभाल लेना। तुम लोग
सेटेलाइट के बारे में अच्छे से समझिए है ना? ठीक है तो फिर मैं आज बार हमको मिल के आता हूँ। हम नीचे नहीं जा सकते, सरप्राइज खराब हो जाएगा। सरप्राइज कैसा सरप्राइज? अय्यर अंकल गोगी का मतलब था कि आप बबीता आंटी को सरप्राइज दीजिए, है ना गोगी? यही मतलब था ना? ऑफ कोर्स। हाँ लेकिन मैं बबीता को क्या सरप्राइज देगा? आप एक मस्त सा सूट पहनकर तैयार हो जाइए और जैसी बबीता आंटी आए आप उन्हें लंच पर कहीं बाहर लेकर जाइए। वाह टप्पू गुड आइडिया। अय्यर अंकल बबीता आंटी को आपका सरप्राइज मस्त लगेगा। नहीं तुम लोगों का आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन पहले मैं आत्माराम को मिलकर आता हूँ, उसके बाद रेडी होऊंगा। पहले आप तैयार हो जाइए ना। हाँ अय्यर अंकल, बीडे अंकल काम आगे जा रहे हैं, आप पहले रेडी हो जाओ बाद में मिल लीजिएगा। यार दो पीस। चलो टेबल हो गया, बुके भी आ गए। बबीता जी की कार आ जाए उसके बाद मस्त सेलिब्रेशन करेंगे। आली आली उत्सव मूर्ति आली, आओ आओ जेठालाल। ये सब क्या है? अरे बबीता जी की गाड़ी आ रही है ना तो बस एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है। ढोल वाले को भी बुलाया है। अरे जैसे गाड़ी आएगी ढोल बजेगा। हाँ ओए गिद्दा सिद्दा गाएंगे, पगड़ा संगड़ा पाएंगे। जेठालाल ये सच में तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। बिना गड़बड़ किए तुमने जो काम किया है ना बहुत सराहनीय है। गड़बड़ तो नहीं हुई ना, यही बहुत बड़ी बात है, होगी नहीं? और नहीं देगी। बबीता जी आ गई। मिठाई लेकर रखा। हाश कार नहीं आई, मुझे तो ये डर था कि मेरे आने से पहले कहीं कार ना आ जाए यहाँ पे। बबीता जी जेठा जी ये लीजिए, पहले प्रसाद लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग जेठा जी, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। मंदिर में मैंने भगवान से मेरी गाड़ी के लिए थैंक यू बोला है और आपके लिए ढेर सारा आशीर्वाद मांगा है। थैंक यू बबीता जी। माधवी भाभी ये लीजिए, ये आपके लिए प्रसाद। मैं तो भूल गया, I'm so sorry, ये लीजिए प्रसाद। बीडे भाई ये लीजिए। Congratulations. थैंक यू सो मच। सोडी भाई। कोमल भाभी हाय। हाथी भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय आदि भाई थैंक यू सो मच। ये लीजिए प्रसाद लीजिए। अंजलि भाभी हाय। हेलो। क्या बात है, रेड ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ये लो प्रसाद लो। थैंक यू। अरे ओपन भाई क्या बात है बबीता जी, लगता है कार के आने की सारी तैयारी हो गई है। यस ऑल सेट। ये लीजिए प्रसाद लीजिए। जी बबीता जी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे जेठालाल बबीता जी की कार आ रही है उससे ज्यादा जरूरी और क्या बात हो सकती है? करेक्ट जेठा जी, एक बार कार आ जाने दीजिए उसके बाद आराम से बात करेंगे ओके। अरे सो सॉरी, ये दीजिए। थैंक यू सो मच। अरे ये सब क्या है? सेलिब्रेशन की तैयारी है। अरे क्या आप लोग भी ना। अच्छा बाय द वे आप सब लोग रेड पहनने वाले थे ना? हाँ लेकिन हमें लगा कि आज आपका स्पेशल डे है तो रेड ड्रेस सिर्फ आप ही को पहनना चाहिए। दैट्स वेरी थॉटफुल एंड वेरी नाइस ऑफ यू। ऐसे मत देखिए मेहता साहब, आपने देखा ना मैंने कितनी बार कोशिश की बताने की लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़चन आ ही गई। दर्शकों आपने पानी पर बना हुआ बुलबुला तो देखा है, जो पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है फिर अचानक से फूट जाता है। जेठालाल का हाल भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। कार के सच का बुलबुला धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और कभी भी फूट सकता है।
और वो भी सबके सामने। बबीता जी अय्यर को सरप्राइज देना चाहती, लेकिन जब बबीता जी को कार का सच पता चलेगा तो उन्हें कितना बड़ा शौक मिलेगा। और तो और अय्यर भी आ चुका है, जब अय्यर को कार का सच पता चलेगा तब वो जेठालाल का क्या हाल करेगा। काश जेठालाल पहले ही बबीता जी को ये सच मनवा लेता, आज उसका ये हाल ना हो। वैसे हाल तो मेरा भी बेहाल होगा जब सबको पता चलेगा कि मुझे कार की सच्चाई पहले से पता थी। अब जेठालाल के साथ साथ मुझे भी आप लोगों के आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। तो क्या लगता है आप, जेठालाल कार का सच क्या एक बार और बबीता जी को बता पाएगा, और सच बताने के बाद बबीता जी उसका क्या हाल करेंगे। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।